একাধিকেন পূর্বেণ और अन्त्ययोर्दश अन्त्ययोर अन्त्ययोर्दश केपि ये इस विधि का नाम रखा गया है। अब देखिए इस तरीके से हम हल करके देखें, यहां सवाल तो हमको मिलता है। एक उदाहरण है जिसे हम उदाहरण 26 के रूप में यहां पर किताब में देखते हैं, उदाहरण 26। यहां हमें एक संख्या दी हुई है 65, जिसका हमें वर्ग करना है। तो इसे आप लिख सकते हैं 65 गुणा 65। यह भी उत्तर के दो भाग हैं। उत्तर का बायां भाग और दायां भाग हम यहां लिखें, उत्तर का बायां भाग और यहां उत्तर का दायां भाग। आपने इसके पहले के उदाहरणों में देखा है कि दायां भाग और बायां भाग में फर्क क्या है। जो दाहिना भाग होता है वो इकाई, दहाई या सैकड़ा जैसी उस प्रश्न की परिस्थितियां हैं उसको प्रदर्शित करता है, और बायां भाग उसके बाद के स्थानों को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ जो हम दायां भाग ले रहे हैं वहाँ पर इकाई और दहाई ही होंगे, बाकी ये कुल सैकड़ों को प्रदर्शित करेगा। और इसका जो परिणाम होगा वो हम आपके सामने लिखते हैं कि जो बायां भाग होगा वो इस दहाई और इसे एक अधिक का गुणा होगा। तो हम लिखेंगे बायां भाग मतलब इस संख्या की दहाई में क्या है और गुणा दहाई से एक अधिक, दहाई धन एक। और जो दाहिना भाग होगा वो इस इकाई का वर्ग होगा, यहाँ पर 5 है तो इसका वर्ग होगा, यानी 5 × 5 होगा यहाँ पर। तो ये जो हल होगा वो 65 के वर्ग को दिखाएगा। आप इसको हल करें आपको मिलेगा 5 का वर्ग करने पर 25, मतलब जो संख्या हमको मिलेगी उसके इकाई और दहाई में क्रमशः 5 और 2 होंगे, और सैकड़ा और उसके बाद के स्थान पर हमको मिलेगा जो संख्या की दहाई है वो गुणा दहाई से एक अधिक, यानी 6 × 7। तो आपको यहाँ पर मिलेगा 4, 2 और यहाँ मिलेगा 2 और 5। तो कुल जो आपका परिणाम होगा वो इस तरह से होगा कि आप जो संख्या प्राप्त करेंगे उनकी इकाई दहाई से 1000 तक इस तरह से संख्या मिलेगी आपको, 5, 2, 2, 4, 4225। तो ये जो संख्या आपको मिली है वो 65 का वर्ग होगी। आप इसे 65 का 65 में गुणा करके भी देखिए, जांच करके देखिए कि हल इतना आता है या नहीं। एक और संख्या हम लें जो 3 अंकों की है और देखें कि इस विधि से हम यदि इसका वर्ग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। आपके पास पहले वाले उदाहरण में 65 का वर्ग करना था और उसमें आपने किया था कि इसका गुणा करके आपने इकाई और दहाई में लिखा, और दहाई में जो था उससे एक अधिक लेकर आपने दहाई से गुणा किया, तो 6 × 7 किया तो आपको सैकड़े मिले, और 5 का गुणा 5 से किया या 5 का वर्ग मिला तो आपने उसे इकाई दहाई में लिखा। तो इस तरह से आपको संख्या का हल मिल गया था। अब इस संख्या में आप क्या करेंगे, जहाँ पर आपको 125 का वर्ग ज्ञात करना है या 125 में 125 का गुणा करना है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर दहाई में तो 2 है और यहाँ आप कह रहे थे कि दहाई से 1 बढ़ा दो। तो आप देखिए कि जो संख्या यहाँ लिखी हुई 125, उसमें 2 दहाई और 1 सैकड़ा है। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि ये 12 दहाइयाँ हैं और 5 इकाइयाँ हैं। यदि आप इसको 12 दहाइयों के रूप में देखें तो यह सवाल इसकी तरह हो जाता है। और इसका जब हल आपको लेना होगा तो आप फिर 2 हिस्से करेंगे। पहले वाले हिस्से में इकाई का वर्ग यदि आपको लेना तो यहाँ पर आप 5 का वर्ग करेंगे, और यहाँ पर आप जो दहाई में संख्या है जो 12 दहाइयों के रूप में है उसमें उससे 1 ज़्यादा, यानी आप 13 का गुणा करेंगे, तो जो परिणाम आपको मिलेगा वो आपका हल होगा। तो आइए देखें कितना होगा। 13 का 12 बार पहाड़ा पढ़ लें, या आप 13 का 12 से गुणा करें तो आपको मिलेगा 13 × 26 की 6 हासिल आई 2, 13 × 13 और 2 15, 156 आपको बायां हिस्से में मिला जो 156 सैकड़े को बताता है, और यहाँ आपको मिला 25
जो 25 इकाइयों को प्रदर्शित करता है। तो आप इसको एक साथ अगर लिख लें तो आपको मिलेगा 1, 5, 6, 2, 5, यानी 15,625। तो ये जो संख्या आपको मिल रही है वो 125 गुणित 125 का हल है या 125 का वर्ग है। ऐसा ही आप किसी और भी संख्या के लिए कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ दो संख्याएं हैं जो दहाई और सैकड़े को प्रदर्शित करती हैं तो आप उस पूरे को दहाई के रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं, 12 दहाइयाँ कह सकते हैं आप, और उसको हल करके आप इसी तरह से जैसा आपने 65 का वर्ग निकाला था बिल्कुल उसी तरह से इसको भी हल निकाल सकते हैं। दहाई और दहाई से एक अधिक का दोनों का गुणा, और यहाँ हमको जो मिलेगा इकाई और दहाई में वो इस इकाई के वर्ग के बराबर होगा। तो ये एक तरीका है जिसे आप एकाधिकेन पूर्वेण और अंत्योर्दश की अपि के नाम से जानते हैं। तो बच्चों इस तरह के सवालों में जहाँ पर आपको इकाई में 5 है, ऐसे प्रश्नों में या ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालने में आप इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो आप अलग अलग संख्याएं लीजिए और वर्ग करके देखिए, आप बहुत मजे के साथ बहुत आसानी से इसका हल निकाल लेंगे।